हेलो फ्रेंड्स, मैं लिस्कर जे इलेक्ट्रिकल रेलवे डीएफसीएसआई। तो डीएफसीएसआई का आंसर किया गया है। आई होप कि सभी अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे, और आंसर की चेक करने के बाद सभी का स्कोर आ रहा है। बहुत सारा वीडियो में कमेंट भी आ रहा है। मैंने वीडियो बनाया था आंसर की आ गया था, तो उसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा है, और टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, मतलब सभी जगह इतना सारा कमेंट आ रहा है कि कट ऑफ के बारे में बताने के लिए। तो अभी फ्रेंड्स, मैं अभी ट्रेनिंग पर हूँ, जिसमें टाइम ही बहुत कम मिल पा रहा है, क्योंकि सुबह से शाम तक ट्रेनिंग ही रह रहा है, जिससे टाइम कम मिल रहा है। तो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कट ऑफ के लिए, क्योंकि बिना एनालिसिस के ऐसे कुछ भी कट ऑफ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ जो है वो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी हम टाइम निकाल कर उसका एनालिसिस करेंगे, तो आपको कट ऑफ बताएंगे कि एग्जैक्ट थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगे कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। ऐसे इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एकदम डिफरेंस एग्ज़ाम हुआ है इस बार, क्योंकि अलग ही इस बार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चन है, नॉन टेक्निकल तो हार्ड कहेंगे ही नहीं उसको, इजी क्वेश्चन है वो, थोड़ा बहुत मॉडरेट है, बाकी मॉडरेट भी कम ही है, इजी में ही आएगा वो क्वेश्चन। तो नॉन टेक में तो कोई कुछ है नहीं, और जो टेक्निकल पार्ट है उसमें भी जो इलेक्ट्रिकल है और SNT है, OPVD है, वो सभी कैंडिडेट का बिल्कुल ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस बार नहीं आया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और अच्छा है, जो कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार जो है वो कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगा ही, क्योंकि जो इसमें इस बार एग्ज़ाम हुआ है वो ज़्यादा हार्ड है नहीं, क्योंकि सभी का अच्छा अच्छा स्कोर आ रहा है, और आएगा ही जब कम इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल का नहीं था, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा ही, और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में कम वैकेंसी था, तो कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा। तो सभी पोस्ट में थोड़ा इस बार कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इजी क्वेश्चन है, और बहुत ही सारा मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ बता दीजिए। पहली बात तो आपको अगर अच्छा नंबर है तो बिल्कुल सिलेक्शन तो होगा ही, और जिनका थोड़ा बहुत कम नंबर है आप तैयारी आगे करते रहिए, आप इसके चक्कर में नहीं बैठे कि DFSL में आपका सिलेक्शन हो ही जाए, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं है यहाँ पे। कोई भी अगर हम भी कट ऑफ बताते हैं तो कट ऑफ में एग्जैक्ट आइडिया नहीं कोई भी लगा पाता है, एक थोड़ा बहुत पिछले ईयर के बेस पे और जो इस बार हुआ है एग्ज़ाम और सवाल इसी के बेस पर बताया जाता है, तो एग्जैक्ट आइडिया कोई भी नहीं लगा पाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो इसीलिए आप आगे तैयारी में लगे रहिए। अभी इसका रिजल्ट जो है थोड़ा लेट होगा रिजल्ट आने में, क्योंकि DFSL का रिजल्ट जो है थोड़ा लेट होता है, तो लेट होगा आने में, अप्रॉक्स 3 मंथ तो लगेंगे ही आने में, उससे पहले नहीं चांस है कि आने वाला है। तो इसीलिए आप आगे के तैयारी में लगे रहे हैं, DFSL के भरोसे नहीं बैठे कि इसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि अब इसका एग्ज़ाम हो गया है, आंसर किया गया है, तो आगे के तैयारी में लगे रहें, जिससे आपको आगे के एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको फ़ायदा मिले और उसका आपको बेनिफिट मिले, उसमें आपका सिलेक्शन हो। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी एग्ज़ाम के भरोसे आपको बैठना है, आगे आपको सिलेक्शन आगे भी लेना है, तो बिल्कुल आगे के एग्ज़ाम का तैयारी करते रहें। हम कट ऑफ बताएंगे आपको, अभी एनालिसिस करते हैं, और बहुत सारा क्वेरी ये भी आ रहा है कि रैंक IQ पे जो दिखा रहा है वो क्या सही है कि गलत होता है। तो उसमें जो पहली बात तो स्कोर जो दिखाता है वो बिल्कुल सही स्कोर रहता है, क्योंकि उस पर जो स्कोर होता है वो आंसर की के अकॉर्डिंग डाला जाता है, बिना आंसर की का उसमें स्कोर नहीं शो होता है, तो आंसर की डाला जाता है जो कि बिल्कुल वो सही रहता है, आंसर की जब उसमें डाला जाता है तभी स्कोर बताता है, तो वो भी सही रहता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ होता है वो वैरी करता है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा था उसमें जो कि कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग वैरी कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो वो सही रहता है, क्योंकि उसमें आंसर की डाला जाता है तभी वो स्कोर आपको दिखाएगा, तो इसीलिए वो सही रहता है। तो बहुत सारा ये भी क्वेरी आ रहा है कि रैंक IQ वाला बता दीजिए आप कि वो सही है कि गलत है, तो बिल्कुल वो सही रहता है, क्योंकि उसमें जो दिखा रहा है वो आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो लेकिन जो कट ऑफ होता है वो, क्योंकि कोई भी कट ऑफ बताएगा तो एग्जैक्ट नहीं बताता है, तो वो भी वहाँ पे कट ऑफ का जो एनालिसिस करता है वो उसे थोड़ा बहुत वैरी करता है इधर उधर, उसी तरह से कोई भी बताएगा तो बिल्कुल थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा तो होगा ही। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे कट ऑफ अगले वीडियो में, तब तक आप अगले तैयारी में लगे रहिए, आपको इसी के भरोसे बैठना ही है, क्योंकि अब लास्ट है, जो कि इसमें यहाँ पे इसके बाद अब आपका DB मेडिकल ये सब होगा और आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, तो इसीलिए इसके भरोसे बैठना नहीं है, अब आगे दूसरे एग्जाम में आप लगे रहिए। बाकी OPVD वाले हैं, जिनका एग्जीक्यूटिव OPVD है, उनका साइको टेस्ट होना है, साइको टेस्ट के बाद उनका उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, जिनका साइको टेस्ट होना है उनका साइको टेस्ट होगा, बाद बाकी जिनका रिजल्ट अगर आगे कोई प्रोसेस नहीं है तो उनका रिजल्ट आएगा, बाकी जो एग्जीक्यूटिव OPVD है उनका साइको टेस्ट होगा, तो उनका अलग से बाद में रिजल्ट आता है, लेकिन और सबका रिजल्ट अगर प्रिपेयर हो जाता है तो पहले ही जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट। तो आप साइको को जो OPVD वाले हैं वो थोड़ा अच्छा नंबर है जिनका, तो वो बिल्कुल साइको में लगें और साइको की तैयारी करते रहें, बाकी आगे भी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पे फोकस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।